हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे अदानी पावर लिमिटेड के बारे में। अदानी पावर में देखते देखते बढ़िया तेजी का माहौल हो चला है, और यहाँ पे जो पुराने लेवल थे 160 150 के आसपास के, वहाँ पे अदानी पावर पहुँचता हुआ दिखाई दिया है। पिछली बार जब यहाँ पे लेवल आए थे 150 160, उसके बाद बड़ी गिरावट आई थी और लगभग लगभग वहाँ से शेयर आधा हो चुका था, और काफ़ी लोग मुझे पता है कि ऊपर की प्राइस में फंस चुके थे। परंतु फिर भी यहाँ पे फिर से एक बार मौका मिला है। अगर वो लोग फंस चुके हैं तो उनको क्या करना चाहिए, और यहाँ पे नई फ्रेश बाइंग की पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट करनी चाहिए कि नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपके साथ बात करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले बता दूं कि आइनोक्स लेजर और पीवीआर के ऊपर कल ही रात को ही मैंने वीडियो बनाया था, और यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने साफ साफ बोला था कि बड़ी तेजी की यहाँ पे संभावना है। तो आइनोक्स की बात करें तो आइनोक्स 20% और पीवीआर की बात करें तो 10% की तेजी के साथ आज ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। अभी भी वो 15% के आसपास की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए यहाँ पे मेरे चैनल को आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे मैं वीडियो बना करके अपडेट करता हूँ। इससे पहले मैंने गेल को भी यहाँ पे अपडेट किया था, गेल में बाय बैक है, तो मैंने बोला कि मौका आज से ना जाने दे, लिखा भी है आप देख सकते हो, और यहाँ पे तेजी का माहौल हो सकता है ऐसा मैंने यहाँ पे बोला है, और आज ये गेल में 3% के आसपास की तेजी दिखाई दे रही है। तो डेली बेसिस पे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। डेफिनेटली मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब करें। अभी बात करेंगे कि अदानी पावर की मार्केट प्राइस किस तरह की चल रही है और क्या सिचुएशन है। तो अदानी पावर मैंने गूगल पे सर्च करके रखा है, आप देख सकते हो 170 रुपये के आसपास प्राइस चल रही है। 2.65% की तेजी अदानी पावर पे है, और 170 और 147 के आसपास, मतलब कि 150 के लेवल अदानी पावर में फिर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ समय में बात करें तो लास्ट वीक की बात करें तो 20% के रिटर्न अदानी पावर ने दे दिए हैं। एक महीने की बात करें तो 19% के रिटर्न, 6 महीने में 50% के ज़्यादा रिटर्न है, और ईयर टिल डेट की बात करें मतलब कि 2022 में 45% के रिटर्न, और पिछले एक साल की बात करोगे तो 65% के रिटर्न अदानी पावर ने दे दिए हैं। बढ़िया तरीके से बढ़िया रिटर्न दिए हैं निवेशकों को, डेफिनेटली यहाँ माला माल किया है। परंतु जो गलत प्राइस पे एंटर हुआ है उसको लॉस भी हुआ है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। तो पहले तो खबर क्या है वो बताना चाहूंगा अदानी पावर पे। यहाँ पे जो खबर निकल कर के आ रही है इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे, वहां पे ही डायरेक्टली लेकर के आना चाहूंगा। स्टेट वर्किंग आउट टैरिफ इश्यू विद द टाटा अदानी पावर। तो टाटा और अदानी पावर दोनों के ऊपर यहाँ पे खबर है, और यहाँ पे स्टेट मतलब कि राज्य सरकार है अदानी पावर और टाटा पावर के साथ मंत्रणा कर रही है। स्टेट बाइंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द टू लार्ज, मतलब कि क्योंकि अभी गर्मी का मौसम आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे कूलर एसीस वगैरह ज़्यादा चलेगा, एनर्जी की ज़्यादा यहाँ पे डिमांड होगी। इसी के चलते क्या हो रहा है कि स्टेट मतलब कि सभी राज्य यहाँ पे अदानी पावर और टाटा पावर के साथ बातचीत में है। इस प्लांट से जो कि काफ़ी समय से ऑपरेशन में नहीं है इन दोनों के, तो उसको फिर से रीओपन करने के लिए मतलब कि फिर से यहाँ पे ऑपरेशन में लाने के लिए टाटा पावर और अदानी पावर के साथ स्टेट्स गवर्नमेंट बातें कर रही है। और यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए कि कोल की प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसके चलते प्लांट अभी ऑपरेशन से नहीं है ऐसा यहाँ पे बोला गया है, और यहाँ पे इसी के चलते राज्य सरकार कुछ यहाँ पे सेटलमेंट करना चाहती है अदानी पावर टाटा पावर के साथ, जिसके चलते यहाँ पे कहीं ना कहीं तेजी का माहौल आगे भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि गर्मी के मौसम में डेफिनेटली पावर का कंजप्शन ज़्यादा होगा, इस बात को आपको डेफिनेटली आइडेंटिफाई करना चाहिए, और इसका सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरी है वो टाटा पावर और अदानी पावर ही आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भारत में सबसे बड़ी पावर सेक्टर की कंपनियों में ये दोनों एक है, तो कहीं ना कहीं 17 गीगावाट्स का जो प्लांट है वो कहीं ना कहीं फिर से ऑपरेशनल में लाने की यहाँ पे योजना है राज्य सरकार इन दोनों को मिला करके कर रही है। तो बढ़िया खबर निकल करके आ रही है टाटा पावर और अदानी पावर के ऊपर, हम यहाँ पे स्पेशली अदानी पावर के ऊपर बात कर रहे हैं। ऐसा होगा तो मैं टाटा पावर के ऊपर भी सेपरेटली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो। फिलहाल अभी कारोबार की सिचुएशन देखें तो कारोबार की सिचुएशन आपके सामने है। अदानी पावर लिमिटेड 147 के आसपास प्राइस चल रही है, प्रीवियस क्लोजिंग 143, ओपन 146, हाई 152, लो 146 के आसपास। जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। 2,68,00,000 शेयर की ट्रेडिंग, 1,09,00,000 शेयर की डिलीवरी, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी नियर अबाउट 41% के आसपास की दिखाई दे रही है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़िया नज़र आ रही है। चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा, चार्ट पे सिचुएशन किस तरह की अदानी पावर की चल रही है वो बताने की कोशिश करूंगा, वीडियो के साथ पूरा पूरा जुड़ा रहे। अदानी पावर के चार्ट पे लेके और यहाँ पे बात करना चाहूँगा जून जुलाई के आसपास, जब यहाँ पे अदानी पावर रॉकेट बनता हुआ दिखाई दिया था 166 के आसपास का हाई, और उसके बाद जो क्रैश हुआ था अदानी पावर में वो देखते देखते 75
के आसपास आ चुका था, मतलब कि 50% का डाउनफॉल कुछ ही महीनों में आपको अदानी पावर में देखने को मिला। और उसके बाद यहाँ पे देखिए लगातार साइडवेज मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आया। और हाल फिलहाल में मतलब कि शुक्रवार को ही यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट जो कि 130 के लेवल के ऊपर था वहाँ पे देखने को मिला। आज देखें तो ओपनिंग तो गैप अप ही हुई थी, परंतु क्योंकि ये जोन रेजिस्टेंस जोन है तो वहाँ से आप देखोगे तो डोजी कैंडल के आसपास बनती हुई नजर आ रही है। मैं थोड़ा जूम करके आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको यहाँ पे दिखाई दे। जी हाँ, डोजी के आसपास कैंडल बन रही है क्योंकि रेजिस्टेंस जोन में कोई भी शेयर ओपन होता है तो वहाँ से सेलिंग प्रेशर आते ही आते हैं। मैं यहाँ पे 150 के लेवल के आसपास बाइंग करने से बचने की यहाँ पे आपको सलाह दूंगा क्योंकि इसी लेवल से लास्ट टाइम बड़ी गिरावट आई थी। हाँ, यहाँ पे जो ब्रेकआउट जोन है उसको आप ले कर सकते हो, जोन निकल करके आ रहा है 125। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ी गिरावट आने दे, 125 120 के आसपास के लेवल आने दे, वहां से आप डेफिनेटली एसएल के साथ बाय कर सकते हो। फिर मुझे लगता है यहाँ पे फिर से अगर ये लेवल को अटेम्प्ट करेगा तो इस बार हो सकता है 60-165 के जोन फिर से आपको 125 के लेवल के आसपास से दिखाई दे। तो शॉर्ट टर्म के लिए ए टारगेट लेकर के आप अदानी पावर को प्ले कर सकते हो। एज ऑफ नाउ तो करंट मार्केट प्राइस में डेफिनेटली पोजिशन नहीं बनानी है, बचना चाहिए क्योंकि बड़ी गिरावट संभव है। यहाँ से मुझे लगता है 20% की कम से कम गिरावट यहाँ से होनी चाहिए क्योंकि ये जो अब जो खबर निकल करके आ रही है वो पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। परंतु रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे मैं चार्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ बजाय के खबर के, और चार्ट यही बोल रहा है कि रेजिस्टेंस जोन में ओपनिंग है और यहाँ से करेक्शन आना संभव है। तो इस बात को डेफिनेटली आपको याद रखना है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं चाहूंगा कि अदानी पावर का आप स्टडी करिए, अपनी स्टडी के बेस के अनुसार ही डिसीजन लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले कोर वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।